आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय फैंस को बड़ा झटका लगा है। महिला कुश्ती प्रतियोगिता के 50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में जगह बनाने वाली विनेश फोगाट डिसक्वालीफाई कर दी गई हैं। विनेश से भारतीयों को गोल्ड की उम्मीद थी और आज देर रात उन्हें अपना मुकाबला खेलना था, लेकिन अब डिसक्वालीफाई हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि ज़्यादा वजन होने के कारण विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 की कुश्ती प्रतियोगिता से डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। उनका वेट महज 100 ग्राम ज़्यादा निकला। विनेश के अयोग्य घोषित होने के बाद से ही ये बात साफ हो गई है कि अब वो गोल्ड मेडल के लिए नहीं खेलेंगी और ना ही उन्हें सिल्वर मेडल मिलेगा, यहाँ तक कि उनकी रैंकिंग तालिका में सबसे नीचे होगी। विनेश फोगाट के डिसक्वालीफाई होने की खबर मिलते ही करोड़ों भारतीयों के दिल टूट गए। इधर जैसे ही विनेश को उनके डिसक्वालीफिकेशन के बारे में पता चला, उनकी अचानक तबीयत भी खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विनेश को डिहाइड्रेशन की शिकायत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।